दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, बबूल लगाओगे तो काटे ही पाओगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, पूरी सीरीज की यह चौथी वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोसेस के बारे में, उस थॉट्स के बारे में, उस विचार के बारे में जो कि आपने अपने बच्चों को देने हैं विशेष बनाने के लिए। वह फॉर्मूला है, वह सारे थॉट्स, वह विचार हैं गिव एंड टेक फॉर्मूला। दोस्तों, जैसा आप दोगे वैसा ही आप पाओगे, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। यह सारी कहावतें आपने बहुत सी बार अपने लाइफ में सुनी होंगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक उदाहरण के साथ आप सभी को एक मैसेज देना चाहूँगा कि जब एक बच्चे का जन्मदिन आता है, जन्म उत्सव के टाइम पे बच्चा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि उसको बहुत सारे नए नए गिफ्ट मिलने वाले हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, कुछ अपनों से, कुछ दूसरों से, कुछ रिलेटिव से। उसके गिफ्ट की जो उत्सुकता होती है कि उसको बहुत सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं, पार्टी होने वाली है, सब कुछ बहुत विशेष होने वाला है आज के इस विशेष दिन पे उसके लिए। तो जहाँ बहुत सारी उम्मीदें होती हैं उन सारे गिफ्ट की, इस सारी वाइब्रेशन की, लेकिन क्या हो अगर ये सारी चीज़ें ना हो, कुछ उसको गिफ्ट ना मिले, कुछ उसको जो सरप्राइज मिलने थे अपनी फैमिली से वो ना मिले, और जो एक बड़ी पार्टी का उसने सोचा हुआ था, आज बर्थडे है, बहुत अच्छी पार्टी होगी, बहुत बड़ी पार्टी होगी आज घर पे, ये सब कुछ अगर ना हो उस बच्चे के उस बर्थडे के दिन, उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा। दोस्तों, इस उदासता को, निराशता को, हताशता को दूर करने के लिए ऐसा क्या करें कि जो बेटे को कुछ ऐसा गिफ्ट मिल जाए आज उसके बर्थडे के दिन कि वह अपने जीवन में कभी इस दिन को ना भूल पाए। दोस्तों, यह जो विशेष दिन होता है, यह ऐसा विशेष दिन होता है, अगर इस विशेष दिन के दिन कुछ विशेष हो जाए ना, तो बच्चे उस दिन को जल्दी से नहीं भूल पाते अपनी लाइफ से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में, गिव एंड टेक फॉर्मूले की इस वीडियो में कुछ ऐसा देना चाहते हैं उन बच्चों को इस विशेष दिन पर कि वह इस दिन को कभी ना भूल पाए। तो हर एक माता पिता चाहते हैं अपने बच्चों की लाइफ में हमेशा खुशी ऐड करना, और इस विशेष दिन पर तो वह चाहते हैं ना जाने इस जहाँ की सारी दौलत उसके बर्थडे के दिन उसको दे दी जाए। लेकिन दोस्तों, अगर आप कुछ सचमुच में उसको ऐसा देना चाहते हैं तो आप उसको इस दिन की विशेषता को समझाइए। तो दोस्तों, आप अपने बच्चों को लेकर के जाइए कुछ धार्मिक स्थानों पर, अपने बच्चों को लेकर के जाइए कुछ उन ऐसे एनजीओ में जहाँ, जैसे कि अनाथालय, कुछ बच्चों के पैरों में जहाँ पहनने के लिए चप्पल नहीं है, सर्दी के समय में जूते नहीं हैं, कुछ गरीबों के पास ओढ़ने के लिए कम्बल नहीं है। तो गिव एंड टेक, उन बच्चों को सिखाएं कि सिर्फ इतना ही नहीं, किस तरीके से हम कुछ छोटे छोटे स्टेप लेकर के अपनी लाइफ में, दूसरे की लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। वृद्धाश्रमों में जाएं, उनको सिखाएं कि बड़ों का सत्कार क्या होता है, उनको बताएं, उनको ये सारी संस्कार देने के लिए, यह सारी अपनी सभ्यता से उनको परिचित करवाने के लिए दोस्तों उनको लेकर जाएं कुछ ऐसे विशेष स्थानों पर, धार्मिक स्थानों पर, एनजीओ में, वृद्ध आश्रम, ये सभी जगह जहाँ पर आप उनको दिखा सकते हैं कुछ ऐसी लाइफ के बारे में, उनको कुछ सिखा सकते हैं कुछ ऐसी लाइफ के बारे में कि जो इस लाइफ से संघर्ष कर रहे हैं, उन सभी सुख सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिनको कि आप अभी इस समय भोग रहे हैं बड़े आनंद के साथ। दोस्तों, यह सभी बातें आपको बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन भविष्य में यह छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बातों के रूप में बन करके आपके सामने आ सकती हैं, उन संस्कारों के रूप में जिनको कि आप अपने बच्चों के अंदर देखना चाहते हैं। तो तब जाकर के यह सब बातें समझ में आएगी कि जो खुशी दूसरों को आनंदित देखने से उसको मिलती है, जो खुशी उसको दूसरों को खुश देखने से मिलती है, वह खुशी उसको अपने आप को स्वयं खुश देख करके भी नहीं मिलती। दोस्तों, आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि इस वीडियो को मात्र एक वीडियो ना समझे, इस वीडियो को वह माध्यम समझे जिससे कि आप अपने बच्चों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, खासकर हर एक उस बंदे को पहुँचाएँ जिस दिन उस बंदे का बर्थडे है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद अपना हर एक बर्थडे कुछ इसी तरीके से मनाएंगे। आप अपना आने वाला बर्थडे किस तरीके से मनाने वाले हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, मुझे पूर्ण आशा है कि आप भी अब इस वैल्यू को अपने जीवन में ज़रूर ऐड करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे कि हर एक बंदा अपने जीवन में इस तरीके से अपने जीवन में इस वैल्यू को ऐड कर सके, अपने बच्चों को वो सारी खुशियाँ दे सके, उसको उसके बर्थडे पर
कि जिस खुशियों को वह अपने इस जीवन में कभी नहीं भूल पाए। तो आइए दोस्तों, अब जीना सीखें, बहुत उठाए दुख, अब खुश रहना सीखें। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते जी।